सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में स्वागत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी विषय कक्षा 9वीं यूनिट 1.1 वॉक लिटिल स्लोअर। फर्स्ट स्टैंजा, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small, I am following in your footstep and I don't want to fall. इस पंक्ति का अर्थ है, छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी धीरे चलो, मैं आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ और मैं गिरना नहीं चाहता। सेकेंड स्टैंजा, sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see, so walk a little slower daddy, for you are leading me. इस पंक्ति का अर्थ है कि कभी कभी पिताजी आपके स्टेप्स बहुत फास्ट होते हैं और आप मुझे दिखाई नहीं देते हैं, तो प्लीज़ डैडी धीरे चले क्योंकि आप मुझे लीड कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा, someday when I am all grown up, you are what I want to be, then I will have a little child who will want to follow me. इस पंक्ति का अर्थ है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं आपकी तरह बनना चाहूंगा, और जब मेरे बच्चे होंगे तो वो शायद मेरी तरह बनना चाहेंगे। फोर्थ स्टैंजा, एंड आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट and know that I was true, so walk a little slower daddy, for I must follow you. इस अंतिम पंक्ति का अर्थ है, कवि कहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से सही ढंग से आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ, इसीलिए पिताजी धीरे चले क्योंकि मैं आप जैसा बनना चाहता, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। तो बच्चों पोएम कैसे लगी, ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।